तरीके से सब प्रेम एक भेंट की है वस्त्र के तौर पे, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मेरी माँ पार्वती देवी बहुत सामाजिक और हम बच्चे को हमेशा समाज के लिए जीने के लिए सिखाती थी। हमेशा मेरी माँ बोलती थी, आप जहाँ भी जा बैठे लोगों के लिए रहना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना, लोगों का ख्याल रखना। आज वही संस्कार हम भाइयों में भी मिला और मेरी माँ जब तक जिंदा रही हमारे इस गांव में, ये गांव करहोली ग्राम जो कुलपत मरर के वंशज हैं, ये करहोली ग्राम और यहाँ पर जिनका भी अतिथि आते थे, मेरी माँ पहले उनका आतिथ्य सत्कार यहाँ करती थी, उसके बाद फिर उनके जो जहाँ जाना होता था वहाँ जाती थी इन हर क्षेत्रों में। तो मेरी माँ जब इस शरीर को छोड़ दी, दुनिया से चली गई और मेरी माँ इस छठ पर्व के अंतिम दिन अपना अंतिम सांस ली, तो हम लोगों ने मन में ठाना क्योंकि एक माँ मेरी चली गई, मेरी पूरे संसार की मेरी माँ मेरी अपनी माँ है और चूंकि ये करहोली मेरा जन्मभूमि है, इसलिए मैं इस छठ पर्व पर इस पैतृक गांव, ये जन्मभूमि अपना करहोली गांव आता हूँ और जितने भी हमारी माताएं हैं यहाँ सबका मैं आशीर्वाद लेता हूँ। मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ माँ को, लेकिन माँ का अंतिम सांस तक भी आशीर्वाद मिलता है, मैं आशीर्वाद देने के लिए आता हूँ और अभी भी मैं आज आया हूँ वहाँ की माताओं से, अपने चाचा से, अपने दादा से और इसी रूप में फिर एक भेंट उनको हम लोगों ने।